सभी लोग, मैं हूँ मेघना और मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर मेघना। सो आज मैं इस तरह का इंट्रो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ। आप अगर स्टार्टिंग के मेरे ब्लॉग देखोगे मैं इस तरह से ही बोलती थी, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल, कैसे हो आप सभी लोग, और फिर मैं हूँ मेघना, मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर मेघना, इसी तरीके से मैं इंट्रो देती थी अपना। फिर मैंने धीरे धीरे चेंज किया और यहाँ पे रखे हुए हैं तक्ष के टॉयज, इस तरह से बास्केट में रख लिए, जब इनसे खेलना होता है तक्ष को तो वो अपने आप भी ले आता है और कुलाटी मार मार के खूब बदमाशी करता है ना, खूब बदमाशी करता है अब तो। और हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया है, ये चले गए हैं ऑफिस अपने काम पर, और देर हो गई ऑफिस गए हुए, और अभी टाइम हो रहा होगा 11:30 बजे लगभग का। तो मुझे लगा मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, मॉर्निंग में स्टार्ट तो किया था लेकिन आप सभी से बात नहीं की थी। और मैंने आज कल रात को मैंने बनाए थे छोले, तो छोले के साथ ही मैंने अभी मॉर्निंग में बनाई थी नाश्ते में पूरियाँ, वो मेथी की जो पूरी होती है वो मैंने शेयर वगैरह नहीं कर पाई थी क्योंकि ट्रेजडी हो गई थी सुबह पानी ख़त्म हो गया था टंकी में, तो और फिर लाइट भी चली गई थी, तो मुझे लगा मैं फटाफट से पहले नाश्ता बना लेती हूँ, फिर क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाना वो तो क्या कहते हैं उसके आरओ के पानी से हो जाता है, फिर नहाना धोना वो कैसे करती, तो मैं बाद में नहाई थी आज, तो बस वही सब था। सोचा था मैं मॉर्निंग से अपना रूटीन शेयर करूँगी आप सभी के साथ आज, और आज कोई ब्लॉग नहीं जा पाएगा क्योंकि आज कोई ब्लॉग ही नहीं है। कल दो दिन से मैं कुछ शूट ही नहीं कर पा रही थी, संडे को मैंने मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा शूट किया था, उसके बाद मैं कोई शूट ही नहीं कर पाई, कल तो कुछ भी नहीं ब्लॉग वगैरह बना पाई क्योंकि ये महाशय इतने शैतान हो गए हैं कि जब ये सोते हैं तभी मुझे फटाक से काम करना रहता है, अदरवाइज बेड पर भी मैं पहले तो मैं इधर की तरफ लेटा देती थी तो अपने लेटा रहता था, खेलता रहता था, बट अब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकते कि क्योंकि तुरंत ही कुलाटी मार मार के उधर चला जाता है, तो बहुत डर लगता है गिर ना जाए कहीं। तो मैं सोच रही थी ना थोड़ी स्पॉन्जी टाइप को जो मैट आती है ना वो एक थोड़ा मंगा लूँ, तो उस पर इसको लिटा दिया करूँगी नीचे बाहर, तो अपने खेलता रहा करेगा, वहाँ से ज़मीन पर भी जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। तो बस यही सब है, और कल मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, लगभग 8 चादर हो गई थी क्योंकि कभी सुसू कर लेता, कभी पॉटी कर लेता, कभी कुछ ऐसा हो ही जाता है, तो चेंज करनी पड़ती है बेडशीट, तो ऐसे इकट्ठी हो गई थी बहुत सारी बेडशीट्स, एक दो तो ऐसी हुई थी कि मतलब दिन में ही दो तो चेंज हो गई थी, तो ऐसा भी होता है, दो इधर चेंज हो गई, दो उधर चेंज हो गई, तो काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई थी, बहुत सारे कपड़े कल वॉश किए थे मैंने। तो आज ना मैंने अभी थोड़ा सा अमेजोन पेंटर से थोड़ा सामान मंगाया है, सारा नहीं आया है लेकिन थोड़ा सा आया है, जो आया है वो मैं आप सभी के साथ अभी शेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं 3-4 चीज़ें हैं तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मुझे ना कुछ चीज़ें चाहिए थी लेकिन हम वो चीज़ें बस अमेजोन वहाँ से बिग बाज़ार वगैरह से जाकर लाते थे, यहाँ पर थोड़ा कॉस्टली मिलती हैं, तो अमेजोन प्राइम ठीक रहता है, अमेजोन पैंट्री वहाँ पर भी जैसे बिग बाज़ार से हमको पड़ता था वैसे ही पड़ जाता है, तो वही मैंने क्या कहते हैं अमेजोन से मंगाना प्रेफर किया। एक बार और मैं मंगा चुकी हूँ तब मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो बस ऐसे जैसे गया पूरा दिन, अभी तक का अपडेट यही था, और आज मैं सोच रही हूँ तक्ष के कुछ कपड़े हैं जैसे मतलब रहता है ना बच्चों के कपड़े सिकुड़ जाते हैं मतलब, तो इनको मैं सोच रही हूँ प्रेस कर दूँ, हम मेरा और मेरे हस्बैंड के हम कपड़े अपने बाहर देते हैं प्रेस करने के लिए, यहीं पर पास में एक प्रेस वाली आंटी हैं तो उनको हम ऑफिस जाते समय दे देते हैं, फिर लौटते समय ले आते हैं या फिर मॉर्निंग में जब दूध देने जाते हैं उस टाइम में ले आए ऐसे ले आते हैं। तो बस बच्चों के कपड़े रह जाते हैं, विहान के तो मैं अब तक करती थी, तक्ष के अभी तक नहीं करती थी क्योंकि डेली प्रेस करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वही मैं सोच रही थी आज मैं तक्ष के कपड़े थोड़ा प्रेस कर दूँ क्योंकि कहीं जाओ ना तो आओ नहीं आती कपड़े में बिना प्रेस के कपड़े पहनाओ तो,
और सोच रही थी थोड़ा वैक्सिंग करूं, पर थोड़ा झंझट वाला काम लगता है। झंझट वाला क्यों लगता है, वैसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम करने बैठे हैं, तुरंत महाराज ये जग गए या फिर ये रोने लग गए, तो क्या कहते हैं, हमको बीच में वो छोड़ना पड़ेगा, पहले फिर इनको देखना पड़ेगा। इस वजह से जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, तब से मैंने एक बार की है, 3 मंथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम में, उसके बाद मैंने वैक्सीन ही नहीं की है। मैं रेजर करना ही थोड़ा पसंद करती हूँ। अभी तो ये हो जाता है, कल रात को क्या हुआ मैं आप सभी को बताती हूँ। कल शाम के समय, मतलब खाना पीना मैंने बना लिया था 8 साढ़े 8 बजे के बाद, रात की बात है चलो, तो मैंने क्या कहते हैं इनको बोला, मैंने कहा आप देख लीजिएगा, मैं नहाने जा रही हूँ। फिर क्या कहते हैं, इतनी देर में मैं शाल लेकर आ नहीं पाई, उससे पहले महाराज का रोना चालू हो गया। तो ये मुझे चिल्लाने लगे कि तुम देखती नहीं हो, ये वो भूखा होगा वो, और जस्ट इसने मुझे देखा है और हंसने लगा जोर जोर से। मैंने कहा आपने बोला मम्मी कहाँ है, तो ऐसा भी होता है, मतलब मम्मी को देखना था इसीलिए वो इतनी जोर जोर से रो रहा था। भूखा भूखा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं फिट करा कर ही गई थी इसको, तो ऐसे भी ये करता है। मम्मी चाहिए ही चाहिए, मैं बैठी रहूँ तो कोई बात नहीं, घंटों घंटों खेलता रहेगा। अभी भी यहाँ पर लेटा हुआ है, घंटों अभी खेलता रहेगा। मैं अगर उठ के अभी चली गई तो रोने लग जाएगा, ऐसा जैसा है ये बदमाश, ये बदमाश मेरा, ये छोटा सा बदमाश। ये देखो क्या बात है, टुकु अभी देखना कैसे उठेगा। आओ आओ हाथ दे रहा है मेरे को, उठो उठो उठो, उठ नहीं पा रहा है, ऐसे उल्टा लेटा है ना इसलिए नहीं उठ पा रहा, सीधा होता तो उठ जाता। देखो देखो कौन आया है, इतने सारे लोग आपसे मिलने आए हैं, सबको बोल दो हेलो, सबको बोल दो हेलो। बस मैं हाथ खाता रहता हूँ और तो मुझे कुछ नहीं करना होता है। और कल काजल लगाया था तो देखो आंखों में से सारा काजल गायब, तो अभी ना आएगा तब मैं काजल लगवाऊंगा मम्मा जी, है ना। सारा काजल तुरंत फैला लेता है, इतना बदमाश है। कुछ दिनों से मैं इसीलिए काजल भी नहीं लगा रही थी, पूरा चेहरा काला काला लगने लग जाता है। फिर दीदी वगैरह बोली कि नहीं भाभी काजल लगाया करो, बिना काजल के अच्छा नहीं लगता, तो मैंने स्टार्ट किया फिर से लगाना। बहुत लंबी बात कर ली मैंने आप सभी से, तो चलिए मिलती हूँ आप सभी थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, प्रेस करने का मैं बोल रही थी आपको कि तक्षी और बिहार के थोड़े से कपड़े हैं उनको प्रेस करूँगी, वो तो हो नहीं पाए। बट थोड़ा सा अलमारी को सेट किया, बहुत ज़्यादा मैस हो गई थी दीपावली से कुछ दिन पहले मैंने सेट की थी। आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों की भी बिखर जाती है क्या, मेरी तो बिल्कुल बिखर जाती है। क्योंकि कोई वीडियो बनाना होता है या कुछ भी करना होता है तो तुरंत बिखर जाती है। और अभी बाहर चेयर पे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब दीपावली के समथिंग मैंने वो सामान निकाला था, मैंने आपको दिखाया था क्या, साड़ियाँ वगैरह निकाली हैं वो लगानी है मेरे को, अभी तक नहीं लगा पाई हूँ। सो कुछ भी कह लो, आलस कह लो या टाइम नहीं मिला, कुछ भी कह सकते हो।
क्या होता है ना कि जो ज़रूरत के काम होते हैं वो हो जाते हैं, फिर उसके बाद में लगता है अरे यार अब बाद में कर लेंगे, थोड़ा देर रेस्ट हो गया है, थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ, ऐसे करके काम टल जाता है। और चादर वगैरह सारी फोल्ड करी हुई रखी है जो मैंने वॉश की थी, उनको भी अभी दीवान में रखती हूँ मैं, वहाँ रखना है। कपड़े सूख गए हैं वो घड़ी करने हैं, तो यही सब काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है। इसका रूटीन किया, फिर इसको सुला दिया था, फिर थोड़ी देर बाद उठ गया, फिर इसको थोड़ी देर खिलाया, फिर दोबारा सो गया। तो मेरे को लगा मैं पहले अलमारी कर लेती हूँ, क्योंकि ये सामान निकालते हैं ना तो इनको फिर उलझन होती है। इनकी हैबिट है कि जहाँ से चीज़ उठाना वहाँ रखना, लेकिन मैं फैलाना फैला देती हूँ। कई कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से उठाया उधर रख दिया, बिल्कुल पॉइंट पे नहीं रखा जाता, इनका हमेशा पॉइंट पर रखते हैं, जहाँ से उठाया है वहीं के वहीं रखना है। तो हम दोनों की इस चीज़ें बहुत बहस होती है। और ऑरेंज वाली अलमारी वो तो मेरा खोलने का ही मन नहीं करता, क्योंकि उसमें इतना सारा सामान है, कितनी चीज़ें तो एक्सपायर हो गई होंगी, वो है देखनी है मेरे को। तो वही सब है, करूँगी किसी दिन टाइम निकाल कर, या तो संडे को करूँगी। तो अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, पहले इसको देख लूँ, ये भी छोके होता है कुर्ती मेला। जो मैंने सोचे थे वो नहीं हुए, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। आपने अभी देखा तक्ष कैसे मतलब जस्ट बचा ही बचा है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, एकदम से पैनिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया है अब इसका, कि क्या कहते हैं कैसे क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ, अकेले काम भी करना होता है, प्लस उसको भी देखना। बिहान अभी कोचिंग चला गया, ऐसे मैं अभी उठ के बीच में ही गेट खोल के उसको भेजा है, तो वो अभी कोचिंग गया है। अभी वो एक सबसे बड़ा टास्क रह गया है, वो करना है, वो काम हो गया, मतलब बहुत बड़ा वो हो गया, क्योंकि हस्बैंड जी से मैं चार बातें भी सुन चुकी हूँ उसके लिए, तो क्योंकि काफ़ी दिनों से रखा हुआ है, कोई हमारे यहाँ आता जाता नहीं है, तो एक वो नहीं है कि हाँ अच्छा नहीं लगता ये वो, लेकिन फिर भी खुद को देखने में तो बहुत अजीब सा लगता ही है ना, तो वो करूँगी। और मैं आप सबके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती थी, जिनका है, मैंने अभी रिसेंटली नाम रखा है उनका, देखा ही होगा आपने स्ट्राइक वाला वीडियो, तो वो स्ट्राइक मुझे दी थी फ्राइडे को, और फ्राइडे को उसकी मदर का बर्थडे था। मैंने ब्लॉग में वो उस वीडियो में ये चीज़ मेंशन नहीं की थी, और मैंने उसको ये चीज़ बोली भी थी, आज के दिन तो मेरे बारे में सोचना छोड़ देती, आज के दिन तो अपनी माँ का मान ही रख लेती स्टाइल ना देने के लिए। तो अब आप लोग कहोगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है मेघना, आपने ये क्यों बोलना है, बट मैं उनकी माँ को मतलब फुल रिस्पेक्ट करती हूँ, और उनकी माँ से कोई बात नहीं है मेरे को, मैं झिंका की बात कर रही हूँ। मैंने ये चीज़ वर्डिंग बोली है, 27th को बर्थडे था,
और उसके जो भाई हैं उनका भी मैं गलत गलत नाम नहीं लूँगी और मैं नाम भी नहीं लूँगी। उनके जो भाई हैं उन्होंने वो डाला हुआ था हैप्पी बर्थडे माँ करके, केक के साथ मम्मी का फोटो करके स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पर। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी एक छोटा सा यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। 27 को ही मैंने उनको विश किया था शाम को 4 बजे समथिंग, और थोड़ी देर बाद उनके भाई का मेरे पास एक हार्ट आया था उस पर। सो यहाँ पर सबसे बड़ा क्लेरिफिकेशन लेने के लिए, मतलब वो कितना नीचे गिर गई। 27 तो कहीं नामो नाम में नहीं थी, फ्राइडे को 27 थी, आप लोग चेक भी कर सकते हो। तो 27 तो नामो नाम नहीं थी। अपने ब्लॉग में बर्थडे का ब्लॉग आया उसका, और उसमें बोलती है मम्मी का बर्थडे है, ये है वो है, वो ड्रामा कर रही थी कि मम्मी के बर्थडे के लिए सरप्राइज देने गए हैं, ये करने गए हैं, जो भी बवाल किया उसने। और सबसे बड़ी बात, 28, 29, 30 3 दिन लगातार बर्थडे होता है, उसमें से पता नहीं है। जिस दिन बर्थडे सेलिब्रेट किया गया उस दिन का तो मतलब नामो निशान नहीं था, क्योंकि उस दिन उस वो मैडम स्ट्राइक देके बैठ गई थी। शायद उनको पता नहीं होगा क्योंकि मम्मी का आज बर्थडे है। आंटी जी से पूछवा रही थी तो बेचारी शर्म के उसमें कि बेटी का मतलब वो भी नहीं कर सकती विरोध, और झूठ वो बोल नहीं सकती, इतनी बड़ी हैं तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। अदरवाइज वो कितने अच्छे से बोलती हैं ब्लॉग्स वगैरह में। ये बात तो मेरे साथ अभी हुई, मैं तो बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत गंदी लगी। मतलब अपने उसके लिए, अपने एक क्लेरिफिकेशन अपने ब्लॉग के थ्रू दिखाने के लिए वो कितना नीचे गिर सकती है वो सब। सो मुझे ये चीज़ थोड़ा अजीब लगी, मुझे लगा मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और जो जहाँ मैंने उनकी मम्मी को विश किया था उस टाइम तक मैंने नहीं देखा था कि मुझे स्ट्राइक आई है इनकी तरफ से, और आती भी तो भी शायद मैं विश करती, क्योंकि उनकी मम्मी की और उनके भाई बहन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसी हैं तो उनके, आपने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी, उनके भाई बहन वगैरह भी मतलब थोड़ा कटते हैं इनसे, नोटिस किया होगा इनके ब्लॉग, उस ब्लॉग में, उस पर्टिकुलर बर्थडे ब्लॉग में जो ये ड्रामा किया था उसमें किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि हर कोई झूठ बोलने में कंफर्टेबल नहीं होता, बट ये तो यूज्ड टू हैं झूठ बोलने के लिए। सो मुझे लगा मैं आप सभी के साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने मेंशन की थी, इसलिए मैंने उस वीडियो में इसलिए नहीं कहा था मैं क्यों थर्ड पर्सन को लेकर आऊँ, बट जब उनका ये ब्लॉग आया तो 28 को आई थिंक मैंने उनको बोला था, तो वो शायद 28 या जब भी गई थी जो ब्लॉग उनका आया था 30 को। सो क्लेरिफिकेशन देने के लिए यार इतना नीचे मत गिरो, अपने पेरेंट्स अपने घर वालों को इन्वॉल्व मत करो, गिरी हुई हो आई नो बट इतना भी मत गिरो। सॉरी फ्रेंड्स अगर आप लोग को ये चीज़ ख़राब लगी हो, बट मैं भी कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन जब बर्थडे का वो आया ना तो मेरे को लगा कि 27 को इन मैडम ने मुझे स्ट्राइक दी थी, तो ये 27 को बर्थडे सेलिब्रेट करने कैसे चली गई। तो जब खोल के देखा तो अलग ही प्लानिंग प्लॉटिंग करी हुई थी ब्लॉग में। सो मुझे लगा मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का ब्लॉग, आई रियली होप आप सभी को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यार प्लीज़ वॉच पूरा करा करो ब्लॉग, अगर कोई कमी लगा करे तो प्लीज़ मुझे आप बता सकते हो इन अ पॉजिटिव वे। मैं ये नहीं कह रही आप नेगेटिव बोलो, लेकिन बस पॉजिटिव वे में बता दिया करो कि मैंने ये चीज़ इम्प्रूव करो, मैं डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगी। सो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ भी कर सकते हो, वहीं वहाँ भी मेरा सेम ही नाम है, इंडियन ब्लॉगर मेघना। कोशिश कर रही हूँ वहाँ पर मैं रेगुलर हो पाऊँ, सो आपको न्यू न्यू पोस्ट मिलेंगे वहाँ पर। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, नहीं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, सॉरी, बाय बाय।